कोई भी सिम यूजर होंगे, आपके लिए एक बड़ी खुशखबर निकल के आ रही है, जो कि है आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 50 GB तक फ्री डेटा पा सकते हैं। चाहे आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो या BSNL कोई भी यूजर्स होंगे, आपके लिए बिल्कुल फ्री डेटा ऑफर है। आप किस तरीके से फ्री डेटा पा सकते हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बट जो लास्ट में मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, वो पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है और उस पॉइंट को कवर कर लेना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ मैं गिव अवे करने वाला हूँ ट्राइपॉड का, उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ही प्रेस करना है ताकि वो वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आया होगा, ये देखिए, 50 GB इंटरनेट डाटा विदाउट एनी रिचार्ज, गेट 15 GB ऑफ फ्री इंटरनेट डाटा इन एनी मोबाइल नेटवर्क फॉर 16 डेज, गेट इट नाउ। इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको 50 GB फ्री डेटा मिलने वाला है, बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते। कुछ इस तरीके से मैसेज आया होगा आपको, सभी को आया है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे वो मैसेज वायरल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों दे रहा है। तो उधर से मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ये कुछ लॉकडाउन की वजह से हमें फ्री डेटा मिल रहा है, या फिर कोई भी आप एक माइंड में रीज़न पकड़ लेते होंगे, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। आपको मैंने क्या बोला कि आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मैंने कुछ इस लिंक पर क्लिक किया, मैंने थोड़ा लेट क्लिक किया इसलिए मुझे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हुआ, ये देखिए आप देख सकते होंगे। तो ये क्या होता है, blogger.com, blogging.gg, तो ये सब क्या होता है, फेक्स मैसेज होते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो यहाँ से कट मत कर दीजिए, मैंने फेक्स मैसेज बताया किस तरीके से होते हैं और क्या क्या इनके पीछे की सच्चाई, ये भी सुन लीजिए आप आज, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये कुछ ब्लॉग तैयार किए हुए रहते हैं, उनके ब्लॉग पे ऑडियंस बढ़ाने के लिए होते हैं या चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए, वो कुछ भी करते हो, लेकिन कुछ इस तरीके से इंटरफेस बाद में ओपन हो गया है, मुझे ब्लॉग हैज बीन रिमूव, बाद में वो रिमूव कर देते हैं ऑडियंस बढ़ने के बाद, या फिर उनको कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन लग रही थी वो मिलने के बाद वो ब्लॉग डिलीट कर देते। तो मैं आपको बता रहा हूँ सच में, इस जैसे मैसेज पे आप विश्वास ना करें। आपको अगर इंटरनेट चाहिए फ्री तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, गूगल पे जाके सीक्रेट कोड डायल करें, जिस भी सिम का आपको फ्री इंटरनेट चाहिए उस सिम का नेम टाइप करके वापस सीक्रेट कोड डायल करो, आप उस सिम से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट कोड है फ्री डाटा से रिलेटेड वो सब आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस देखिए, आपको वहाँ भी फ्री डाटा से रिलेटेड बहुत सारे कोड मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला था, कुछ इस तरीके से मैसेज का इंटरफेस आपके सामने शो होता होगा तो क्लिक ना करें, आपकी इससे इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। आपका मोबाइल नंबर टाइप करना होता है, आगे प्रोसेस होती है, कुछ OTP वगैरह बहुत प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस में जाने के बाद आपका डाटा उनके पास चल जाता है, या फिर उनकी ऑडियंस बढ़ जाती है, सिर्फ ऑडियंस बढ़ाने के लिए वो ये सब करते हैं ब्लॉग पे पैसे कमाने के लिए। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो, और जिन जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।